बैल की तरह मुझसे टकरा गए। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सनसुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या देखे जरा इस सनसुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह! कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलपुर से सोनापुर बना देगा। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? पहले कुछ खा लूँ, फिर मेरा दिमाग काम करेगा। बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धोनी बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन पहले कालिया को पकड़ना होगा। की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा। मत किया करो। फिसल गया मौसी। खेलना ही है तो इन छोटे खिलौनों से खेल लो। मेरे गमले तो बचे रहेंगे। वो रहे खिलौने। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? जंपिंग छपाक। मेरे दादाजी ने मेरे लिए वो जिम्नास्ट खिलौना बड़े प्यार से जेली गम के साथ बनाया था। सॉरी कालिया, लेकिन वो नाजुक खिलौना मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तुम कोई दूसरा चुन लो। चलो, अब मैं सामान खरीदने जा रही हूँ। घर में कोई उथल पुथल मस्ती नहीं, ठीक? जिम्मेदारी मेरी टुनटुन मौसी। तुम दोनों को अपनी पसंद का खिलौना मिला। मैं भी जंपिंग झपाक लेकर ही रहूंगा। रुको कालिया। झपाक भी छपटा हो गया। ओ कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही नहीं। मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया, ये तो वाकई में जिंदा है। हमारे नाम भी जानता है। कैसे नहीं जानूंगा? तुम्हें बचपन से जिद्दी बनते जो देखा है इस घर में, और अब मैं जिंदा हूँ। थैंक यू कुछ कालिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। माँ भले ही झपाक को जिंदा देखकर खुश हो, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका हुला हुप भी टूटा है। कहीं वो तुम्हें ना तोड़ दे। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। पांडे आया, तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा इग्लू लाया। इग्लू? लेकिन इग्लू तो बर्फीली जगहों पर होता है एस्किमो पांडे अंकल। इसीलिए तो एस्किमो पांडे उसे लाया है। स्पेशल है, सिर्फ तुम बच्चों के लिए। फ्री 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 एंट्री, मजे करो। फिर अपने ढोलकपुरियों को एस्किमो पांडे अंकल के इग्लू के बारे में अच्छा अच्छा बताओ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इतनी गर्मी है, ये इग्लू कम हीटर ज्यादा लग रहा है। कालिया, एस्किमो पांडे का इग्लू तोड़ना नहीं। कब से हो गए उस्ताद? जब से ये बर्फ थर्मोकोल से बनने लगी। थर्मोकोल से बना इग्लू है, जहाँ ठंड के बजाय गर्मी बरसती है। पैसे बर्बाद मत करना। आओ बच्चों, वो मजाक कर रहा है। एस्किमो पांडे की बर्फ की दुनिया देखो, अच्छा आधे दामों में। बालक है। वो नहीं, वो तुम्हारे पीछे। देरी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी इंदुमती। मेरा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय आ गया। ये सॉफ्ट टॉय हिल क्यों रहा है? इसे खोलकर तो देखिए राजकुमारी। आपने तो असली पेंगुइन मंगा लिया राजकुमारी। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा ये बात है, पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है, और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चलो जब्बू लेट जाओ, फ्रीज नापते हैं। ये फ्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू ये जादू नहीं। ये कौवा की तरह आता है। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे, काले कलूटे कौवा, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना। कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टम्प्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है। काव काव राजा। कहाँ है? इनको कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। कारवानो खा आया, आया कारवानो खा। दुनिया की सैर करके रहस्यमय चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवा अनोखा, ये कारवा अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवा अनोखा, ये कारवा अनोखा, ये कारवा अनोखा। हाँ, इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली। देख के चौंक गए हैं, चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही कहीं होगा। मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। हाँ, मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। तुमने अच्छा दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की। फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। शहद ले लो स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ। शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियाँ जिंदा हो गई और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। अरे भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे। राजू करो अब खेल खत्म, 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू देखते हैं तुम्हारा कमाल, पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू ये है इनकी चाल, आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया, लगता है मैं तो मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। ये समझो मेरी मजबूरी, तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम। धौलकपुर के वासियों, धौलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से धौलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, धौलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। धौलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भी। उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है, इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। ये इंद्र वर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा